हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आप मोबाइल टावर लगवाकर एक बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। बिना काम किए मोबाइल टावर लगवाकर आप 60,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ आपको अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितने रुपए आप मोबाइल टावर लगवाकर कमा सकते हैं। सारी चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके गांव में सिग्नल कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं तो आप टावर कंपनी में टावर लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद टावर लगाने वाली कंपनी अपनी टीम को आपके एड्रेस पर भेजेगी, जो आपकी जगह का इंस्पेक्शन करेगी और फ्रीक्वेंसी चेक करके टावर लगवाने का काम शुरू कर देगी। मोबाइल टावर लगवाने के लिए टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, जियो वगैरह से कॉन्टेक्ट नहीं करना होता, बल्कि इसके लिए आपको थर्ड पार्टी मोबाइल टावर कंपनी जैसे इंडस, भारती इंफ्राटेल और एडीसी जैसी कंपनी को कॉन्टेक्ट करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए क्या क्या नियम है। अगर आप अपने घर की छत पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपकी छत पर 500 स्क्वायर फीट की स्पेस होनी चाहिए। अगर आप शहर में किसी खाली प्लॉट पर किसी खाली जगह पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह होनी चाहिए। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और गाँव की किसी खाली जगह पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह होनी चाहिए। टावर लगवाने के लिए कोई भी कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगती है, जितना भी खर्चा होता कंपनी खुद अपनी तरफ से खर्चा करती है। हॉस्पिटल के पास में या हॉस्पिटल के 100 मीटर दायरे के अंदर टावर नहीं लगवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके आसपास के लोग टावर लगवाने पर विरोध करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं तो मोबाइल कंपनी टावर नहीं लगाती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट की। ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि जिस बिल्डिंग की छत पर आप टावर लगवाना चाहते हैं वो बिल्डिंग मजबूत है या फिर नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको तब देना होता है अगर आप बिल्डिंग की छत पर टावर लगवाना चाहते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है एनओसी की, जो लैंड ओनर या फिर बिल्डिंग ओनर की तरफ से इशूड होता है, यानी लैंड ओनर और बिल्डिंग ओनर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। इसके अलावा आपको एक और एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो म्युनिसिपैलिटी देगी। इसका मतलब आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से भी लेना होगा। इसके अलावा आपको बॉन्ड पेपर या फिर एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपके और कंपनी के बीच होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अब मोबाइल टावर लगवाने के लिए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो कंपनीज फेक होती हैं। इसीलिए आपको सही कंपनी का चुनाव करना है। यहाँ पर मैं आपको 3 कंपनी के बारे में बताऊंगा। पहली है इंडस टावर, दूसरी है भारती इंफ्राटेल, तीसरी है एडीसी टावर। इंडस टावर भारत की सबसे बड़ी टावर लगाने वाली कंपनी है और इसके इंडिया में काफी जगह ऑफिसेज भी हैं और इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। आप इस कंपनी के द्वारा भी टावर लगवा सकते हैं। और दूसरी कंपनी है भारती इंफ्राटेल। इस कंपनी की शुरुआत सुमित मित्तल ने 1966 में अपने 2 भाइयों के साथ की थी। ये कंपनी अपने नामों से ज्यादा एयरटेल और बीटेल के नाम से ज्यादा जानी जाती है। भारत के 22 राज्यों में इंफ्राटेल कंपनी के 32,000 से भी ज्यादा टावर हैं, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडस टावर में भी भारती इंफ्राटेल की 42% की भागीदारी है। आप भारती इंफ्राटेल से भी टावर लगवा सकते हैं। तीसरी कंपनी है एटीसी टावर, यानी अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन। ये कंपनी भी एक रियल कंपनी है और आप इससे भी टावर लगवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टावर लगवाकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, टावर लगवाकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं ये टोटली आपकी जगह पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप 20,000 से लेकर 80,000 रुपए तक का किराया ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जगह किसी बड़े शहर में है तो फिर आप 1,00,000 रुपए तक का भी किराया ले सकते हैं। टावर लगाकर पैसे कमाने का बस यही एक इनकम सोर्स है। आजकल टावर लगवाने के नाम पर बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको व्हाट्सएप चैट पे पुश किया गया कि आप अपने जगह पर टावर लगवा सकते हैं और हम टावर लगाने वाली कंपनी है, इसके लिए आपको इस तरीके का चार्ज पे करना होगा। लोग वहां पर पैसे दे देते हैं और उसके बाद उस नंबर से कभी कम्युनिकेट नहीं किया जाता। बहुत सारी कंप्लेन ऐसे भी आई है कि कोई आदमी घर पर आया और उसने अपने आप को मोबाइल टावर लगवाने वाली कंपनी के बारे में बताया, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और पैसे लिए, इसके बाद वो बंदा कभी भी घर पर नहीं आया। तो अगर आपके पास भी कोई आदमी आकर ये कहता है कि मुझे पैसे दे दीजिए मैं टावर लगवा दूंगा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो फर्जी आदमी है और आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इसकी कंप्लेंट तुरंत पुलिस में करनी चाहिए, क्योंकि टावर लगवाने वाली कंपनी कोई भी किसी भी तरीके का पैसा आपसे नहीं लेती है, बल्कि जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी खुद ही उठाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि टावर लगवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसका नाम है इंडस टावर। आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है industowers.com और उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सो यू विल बी रीडायरेक्ट टू द सेम डैशबोर्ड। इस तरीके के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको लैंड ऑनर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहां पे आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए अपना फर्स्ट नेम यहां पे लिखेंगे, लास्ट नेम यहां पे लिखेंगे, एक अपनी ईमेल आईडी यहां पर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहां पे लिखेंगे एंड कंफर्म एंड सेंड ओटीपी ऑन योर मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आपके मोबाइल पे इंडस टावर की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी के वेरीफाई होते ही आपके सामने नीचे गूगल मैप ओपन हो जाएगा। आप जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं अगर उसी लोकेशन पर टावर लगवाना चाहते हैं, उसी प्रॉपर्टी पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपको टेक माई लोकेशन पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी जिस भी लोकेशन है, जो आपकी करंट लोकेशन है, उसका एड्रेस आपको गूगल मैप पर सजेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अप्लाई कहीं और से कर रहे हैं और किसी और लोकेशन पर आपको टावर लगवाना है तो आपको जिस भी लोकेशन पर टावर लगवाना है उसके एरिया पिन कोड को यहां पर टाइप करना है। एरिया पिन कोड टाइप करते ही यह आपको आपकी लोकेशन सजेस्ट कर देगा। आप इस पॉइंटर को ड्रैग करके भी अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पॉइंटर की मदद से अपनी एड्रेस को गूगल मैप पर सेट कर लेना है और इसके बाद कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही दोस्तों आपके सामने यहां पर कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। नीचे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है जैसे आई एम ए ऑनर, ब्रोकर और अदर्स। तो अगर आप ऑनर हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर टावर लगवाना चाहते हैं तो ऑनर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई ब्रोकर हैं या मीडिएटर हैं और किसी को हेल्प कर रहे हैं टावर लगवाने के लिए तो ब्रोकर के ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आप प्रॉपर्टी टाइप में बिल्डिंग, प्लॉट या फिर अदर्स के ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि कोई बिल्डिंग है या फिर कोई खाली प्लॉट है। ऑनरशिप में अगर वो प्रॉपर्टी किसी अकेले की है तो इंडिविजुअल चूज करेंगे या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है तो ज्वाइंट को चूज करेंगे। कैटेगरी में चूज करेंगे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर अदर्स। अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल चूज करेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो कमर्शियल चूज करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब फॉर्म के फाइनल सबमिट करते ही कंपनी अपनी एक टीम इंस्पेक्शन के लिए आपके दिए हुए एड्रेस पर भेजेगी और इसके बाद फ्रिक्वेंसी चेक होगी। फ्रिक्वेंसी अगर उनके अकॉर्डिंग ठीक पाई जाती है, सारी टेक्निकल टर्म्स ठीक पाई जाती हैं तो इसी के बाद टावर लगवाने का काम जो है शुरू किया जाएगा। अगर आप भारती इंफ्राटेल से टावर लगवाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है bharatiinfratel.co.in और इसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर भी क्लिक करके इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको नीचे इंक्वायरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप जिस भी प्रॉपर्टी पे टावर लगवाना चाहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे स्टेट को चूज करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। अगर कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है आपकी प्रॉपर्टी के नियरेस्ट, जैसे कोई ATM है या फिर कोई बैंक है तो उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अपनी सिटी टाइप करनी है, अपना एरिया पिन कोड टाइप करना है, जो ऑनर का फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे टाइप करना है, ऑनर का लास्ट नेम आपको टाइप करना है, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, अपनी एक ईमेल आईडी टाइप करनी है। टावर नेम के ऑप्शन को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जिस भी कंपनी का आप टावर लगवाना चाहते हैं, जैसे एयरटेल का, एयरसेल का, BSNL, आइडिया, रिलायंस, वोडाफोन, वीडियोकॉन, टेलीनॉर और जियो, आप यहां पे सिर्फ अपने सजेशन दे सकते हैं। लेकिन जो टावर लगवाने का काम है कि किस कंपनी का टावर लगेगा वो इंस्पेक्शन टीम ही डिसाइड करती है। इसके अलावा आपको यहां पे अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपनी एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी है, अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी है, लैंड के डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको अपलोड करने हैं, साथ ही में आपको फोटोग्राफ ऑफ लैंड भी अपलोड करना है, यानी जिस भी जमीन पर आप अपने टावर लगवाना चाहते हैं उस जमीन के फोटोग्राफ को भी आप यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहां पे भी वही प्रोसेस होता है, एक इंस्पेक्शन टीम आपके दिए हुए एड्रेस पर सेंड की जाती है और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि यहां पर टावर लगाना चाहिए या फिर नहीं। अब इसके अलावा अगर आप ATC इंडिया कंपनी से टावर लगवाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है atctower.in और आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद आप यहां पे कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको किसी तरीके का कोई फॉर्म तो नहीं फिल करना होता है, बट यहां पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और रजिस्टर्ड ऑफिसेस के एड्रेस भी दिए हुए हैं।
जैसे जो इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गुड़गांव में, यहाँ पे आप फोन नंबर देख सकते हैं। इसी के साथ नीचे आएंगे तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस इनका मुंबई में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, आसाम एंड नॉर्थन रीजन के लिए ये एड्रेस और मोबाइल नंबर है, बिहार और झारखंड के लिए ये एड्रेस और मोबाइल नंबर है। इसी के साथ दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड चंडीगढ़, महाराष्ट्र एंड गोवा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वेस्ट, उत्तर प्रदेश ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो आप जिस भी लोकेशन पर रहते हैं, जिस भी लोकेशन पर टावर लगवाना चाहते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर आप रहते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप इन मोबाइल पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इनके एड्रेस पर विजिट करके टावर लगवाने की क्या क्या कंडीशन है ये सब जान सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी कंपनी के थ्रू आप मोबाइल टावर अपनी लोकेशन पर लगवा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि अगर कोई भी आपसे मोबाइल टावर लगवाने के लिए पैसे चार्ज करता है तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनी मोबाइल टावर लगवाने का काम करती है वो आपसे कोई पैसा नहीं लेती, जितना भी खर्चा होता है वो खुद से खर्चा करती है। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फैन के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।